नहीं की थी, वो जो मैली वाली बेडशीट थी वो मैं अंदर डाल चुकी हूँ। नहीं तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मेरा बाथरूम, ये रही वो बेडशीट। अब ये अंदर जाके धुलेगी। कल के वो जो मेरी एक्स्ट्रा जो मैं ऊपर से कंबल वाली लेती हूँ अपने बेड के ऊपर, इनको मैं बाद में वॉश करूँगी, पहले इसकी टर्न में जो ये पहली शिफ्ट, क्योंकि वॉशिंग मशीन में आपको पता है एक लिमिटेड क्वांटिटी ही आती है क्लोथ्स की। तो मैंने यहाँ पे अपना वो डाल दिया था डिटर्जेंट, और अब मैं इसका स्पिन कर दिया हुआ है पहले कैंसिल, और बस वन बटन थिंग एंड हियर इट गोस। ये देखिए, ये चल पड़ी हमारी मशीन। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, ये आपको याद है ना मैंने उस दिन लिया था ये स्टैंड, बट मैंने इसमें यहाँ पे शैम्पू टूथपेस्ट वगैरह डाल दिए हुए हैं। ये देखिए, तो एक टूथब्रश भी है, और बस इस तरह से अभी हम देखेंगे कैसे मूव करेगी हमारी। अभी ये पानी भर रही है IFB, वो देखिए ये भर रहा है पानी। अरे यहाँ पे तो कुछ पानी के ड्रॉपलेट्स भी हैं, मैं इसे साफ कर दूंगी। ये देखिए, राउंड राउंड इन स्टॉप। तो मैं ये पानी जो यहाँ पे खड़ा हो गया, मैं इसे साफ कर देती हूँ। तो ये कहा था कि जितना हो सके आप ड्राई रखना आसपास का पार्ट मशीन का, तो थोड़ा सा पानी इसमें गिर गया था वो मैं क्लीन कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ अपनी इस मशीन के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा बाथरूम देखिए कितना छोटा है, बट मेरी मशीन तब भी इसमें अच्छे से फिट आ गई हुई है। ये देखिए, इसमें इसने स्पेस कम लिया हुआ है और अच्छे से इसकी फिटिंग यहाँ पे आ गई हुई है। और मैं इस समय कर रही हूँ क्लीनिंग, तो थोड़ा सा इसका जो एक्स्ट्रा था मॉइस्चर मैं ऐसे इस मशीन को के बारे में मैं रिव्यू इसलिए ले दे रही थी क्योंकि मेरे पास है, तो मैं इसलिए शेयर, इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि पिछले 10 ईयर्स से ही मशीन हमारे पास है, और उससे पहले टॉप लोडेड मशीन ये वाली फ्रंट लोडेड है। तो एक्सीलेंट वर्क है इसका, और एज सच कोई कंप्लेंट नहीं है। इसमें डेलिकेट क्लोथ भी वॉश कर सकते हैं आप इजीली, और ऑप्शंस भी हैं जैसे मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। देखिए, ये स्पिन कैंसिल का ऑप्शन, अगर आपको ये डाउट है कि कहीं कपड़े मुरझा ना जाएं या कुछ, तो और ये देखिए जेंटल वॉश का ऑप्शन, जैसे कुछ जेंटल से क्लोथ होते हैं हमारे, तो वो हम इजीली इसमें बेझिझक हम इसमें डाल सकते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल है, और ये देखिए सिंथेटिक का अलग से साइड है, सिंथेटिक कपड़े अलग से धोने, कॉटन हो तो, और क्योंकि मेरी बेडशीट कॉटन की है आपने तो देखी है, तो इसलिए मैंने कॉटन की साइड से भी रखा हुआ है। तो ओवरऑल इसके फीचर्स भी अच्छे हैं, कलर भी अच्छा है, और कलर के साथ साथ इसका काम भी अच्छा है। तो
ये थी छोटी सी मेरी आपके साथ जो मैंने शेयर करना चाहा अपनी इस मशीन के बारे में। और जैसे 10 ईयर्स जैसे मैंने आपको कहा 10 ईयर्स हो चुके हुए हैं इसके साथ काम करते हुए हुए, बट इसका काम अभी भी अच्छा है। तो ये थे कुछ जो फीचर्स मैंने आपके साथ शेयर किए इस मशीन के बारे में। बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है इस जो मशीन का अच्छा फीचर जो मुझे लगता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट दो फीचर्स हैं। पहला तो ये कि ये पानी ज़्यादा नहीं लेती, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें पानी का उतना वेस्टेज नहीं होता जैसे जो बाकी मशीन्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा पानी 100-200 लीटर ले लेती हैं। बट इस मशीन का सबसे बड़ा एक बेनिफिट जो मुझे लगता है दैट इट डजंट कंज्यूम मच वाटर। तो इसमें क्या है कि सेव वाटर हो जाता है, वाटर सेव हो जाता है। और आप जानते हैं कि न्यूज़ में भी कई बार ये चीज़ शेयर हो चुकी हुई है कि इंडिया में भी कुछ सालों बाद पानी का प्रॉब्लम, वैसे भी आजकल भी बहुत से एरियाज में तो है ही है, बट पानी का प्रॉब्लम अराउंड अबाउट इन 10-20 ईयर्स के बाद आई गेस, मैंने कल परसों सुनी थी न्यूज़, तो पानी का प्रॉब्लम बहुत होने वाला है। तो बेटर यही है कि हम पानी सेव करें। तो ऐसी चीज़ जो हमें पानी बचा रही है हमारा, तो क्यों ना उसको यूज़ करें। और दूसरी बात इलेक्ट्रिसिटी, सेव वाटर, सेकंड सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मशीन में उतना जो है पावर कंजम्पशन उतना नहीं होता, तो जैसे बिल इसमें नॉर्मल सा आता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मशीन चलिए तो बहुत ज़्यादा बिल आएगा। तो ये चीज़ मुझे जो दो फीचर्स इसके बहुत अच्छे लगे, सेव वाटर एंड सेव इलेक्ट्रिसिटी। और सब एक और इसमें है कि आप पानी गर्म, मैंने आपको टेम्परेचर कंट्रोल वाला बताया था ना, तो इसमें जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं थोड़ा सा पानी गर्म करके इसमें कपड़े धो सकते हैं। जैसे आपको पता है हमारे यहाँ विंटर्स ज़्यादा रहती हैं, तो ठंडा पानी तो बिल्कुल भी उतना कैपेबल नहीं होता, कई बार ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं, तो उसके लिए हमें हॉट वाटर लेना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। तो इसलिए इस मशीन का एक वो फीचर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर पीपल ऑफ द हिली रीजन्स एस्पेशली अस। तो ये कुछ एक बातें मेरी मशीन के बारे में। एक चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की वो ये थी कि ये मशीन जो है ये थोड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा लेती है, ये वाटर ज़्यादा नहीं लेगी, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा नहीं लेती, बट ये टाइम थोड़ा ज़्यादा 2.5 घंटे लग जाते हैं इसमें जो एक कंप्लीट वॉश स्लॉट निकालने के लिए। बट टाइम का कुछ नहीं, मुझे तो इसके ये फीचर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। सॉरी फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ी ये लंबी अगर वीडियो जा रही होगी, आप सोच रहे होंगे कि इतना क्यों मैं बोल रही हूँ इसके बारे में। सो आई जस्ट वॉन्ट टू, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट आई एम स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू पीपल, आई वॉन्ट टू शेयर माई लाइफ विद यू ऑल। सो इनकेस अगर आपको लगे कि वीडियो लंबी होगी, इसी टॉपिक पे एक लेक्चर सा हो गया, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई लाइक शेयरिंग थिंग्स विद यू and I know that you also like listening from me. I hope that my intuition is true. और ये जो एक जो फीचर था टाइम का, बस वही एक छोटा सा मुझे इसमें थोड़ा लगता है कि कभी जल्दी किसी को हो तो फिर थोड़ा टाइम इसमें लगता है, अदरवाइज इट्स ओके, इट्स ऑल फाइन एंड that's all about it. So friends, this is my machine at work. तो ये अपना काम करती रहेगी, 10 ईयर्स का इसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस। और जिस टाइम में ली हुई थी उस टाइम तो मुझे ये अच्छे से चलानी भी नहीं आती थी, और मैंने अभी 1-2 साल पहले ही इसे चलाना सीखा हुआ था, तो मैं छोटी थी तो इतना अपने
होता था, तो मैं कपड़ा वगैरह कहाँ धोने का, बच्चों को कहाँ इतनी टेंशन होती है। तो इसलिए अब धीरे धीरे एक दो साल से मैं थोड़ा सीख गई हूँ इसको कैसे चलाया जाता है, इसको कैसे हैंडल किया जाता है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट स्ट्रेस ब्लॉग, आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको लाइक करना ज़रूरी है, क्योंकि आई नो कि आपको पसंद आ रही है, आई नो आई फील आई हैव एन इंट्यूशन कि आपको धीरे धीरे यू हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग मी। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रियाज पैराडाइज़।